धारा इस धरा पर सदा से बहते आई है। सत्यमेव जयते तभी, सत्यमेव जयते तभी, सब वेदों ने गाई है, तब वेदों ने गाई है। लीजिए हमन सादर प्रस्तुत है हमारी व्याख्याकार महोदय और पूरे मंडली को जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करिए हमारी मंडली का। कृष्ण केशव पाहि मां, राम राघव राम राघव, राम राघव रक्ष मां। चरण कमल गुरुदेव को संग वीर हन
हनुमान हो सहायक देव सब कर सकूं प्रभु गुणगान कर सकूं प्रभु गुणगान श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनान गुण गावो श्री राम के हनुमत हो सहा सांझ समय सानंद निपो गयम कै कई गे गवनी निठुरता निकट किया जनु धरि देह सने सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय छत्रपति हनुमान की जय सभापति तुलसीदास की जय स्थान देवता की जय ग्राम देवता की जय सब संतन की जय आयोजक परिवार की जय संस्कार धानी ग्राम छिपली के पवित्र माटीला नमन करत सबले पहली हृदय ले आभारी हन ये कार्यक्रम के आयोजक समस्त आयोजक परिवार ला जिकर मया प्रीत भरे नेवता पाके आपके पुण्य धरती में पुनः आए के अवसर मिले हैं हृदय ले श्रोता समाज में बैठे मोर जम्मो माता बहनी मल्ला प्रणाम करत संत जन विप्रजन गुरुजन ज्ञान मंचला संचालित करी आदरणीय उद्घोषक गुरुदेव जी और जेकर खून मेहनत पसीना के कमाई ये मंचला सजाए में लगे हैं आप समस्त दान दाता मन के पौरी में मोर मयारु मानस परिवार ग्राम गुदगुदा जिला धमतरी के जम्मू सरवारी मंडल के सादर प्रणाम अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 24 प्रस्तुत दोहा में समय के महत्ताला गोस्वामी तुलसीदास जी हम सब के बीच रखी के एक अच्छा कार्य लभी गलत समय में किया जाए तो अच्छा कार्य के परिणाम भी गलत हो जाते लेकिन अच्छा समय में यदि कुछ गलत कार्य हुआ थे तेनों में सुधार के गुंजाइश है। हाँ भाई समय घटाता जीव को और वही बढ़ाता है करना पड़ता है मजबूरन जो कुछ समय कराता है। आज दशरथ महाराज राम राज्य के योजना बनाई पूरा तैयारी चलत है लेकिन ये डहन के नक्शा दूसरा है मंथरा है तेनहा के कैला भड़काट रहे कोप भवन में चल दे के कई मैया राजा दशरथ रानी के कैला सरप्राइज देवर गिफ्ट देवर की रानी जे राम लते रोज राजा बनाओ दे राजा बना दे कहास काली बड़े बिहनिया लो राज राजा बन ही युवराज के पद में उकर अभिषेक किया जाही वेद मंत्र के साथ विधि पूर्वक बताए बर जब गिन तसांज के समय गिन बाबा तुलसी की सांझ के समय में गीत तक किस कहां गीस के कई के अंगना में घर में महल में बाबा तुलसी कृपक लखीन के कई है तेनहा कठोरता के मूर्ति है और राजा दशरथ है तेनहा स्नेह के मूर्ति है तो आज कठोरता के पास में स्नेह के शरीर धरे हुए राजा जनक जावत है और सोचो पत्थर से टकराए के बाद कोमल चीज के का होते आवा प्रसंग हा जतका कठिन घलो है और एमे जे मूल चीज है मैं आपला पुनः निवेदन करूं समय के साथ कोनला कब और कैसे चलना चाहिए आवा समय रही तब तक प्रस्तुत दोहलाधार बना के कुछ बात कहां होकर पहली परम आराध्य भगवान सीताराम जी के पौरी में श्रद्धा के सुमन समर्पित करन मैं चाहत बहनी हो एक बार आप सब टावर में आ जाओ काबर खा पी का हो अभी अमोल यहाँ एक बात पता चली सी नीचे टावर कम रहते कहके हाओ तो मैं बहुत जन बहनी मल्ला देखे हो रही रही छत में चढ़ते फोन आते तक काबर टावर नहीं है कहके
आदमी से अंगोठियाए बर मोबाइल में जैसे टावर के जरूरत है, ऐसने भगवान के कथल कहे बर तुम्हार मन के मूल पावर के जरूरत है। भाई कोई भी आदमी से बात कर बेटा, सबसे पहले मोबाइल में पिन देना पड़ते, बिना बैलेंस डरवाए बटन ल मसकना, उहल आवाज आते जिससे आप संपर्क करना चाहते हैं, उनसे बात करने के लिए आपके पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है। आदमी से अंगूठियाए बर मोबाइल में बिल देना पड़ते, और भगवान के कथा बर तो दिल देना पड़ते। मैं नहीं कहता कि बेकार में दे दो, जिंदगी की दौलत उधार में दे दो। चले आए हैं हम तो राम कथा के खातिर, बस एक बार अपना आशीर्वाद ताली बजाकर उपहार में दे दो। बोल सीताराम भगवान की जय। सीताराम भगवान की जय। परम आदरणीय संत समाज, भगवान राम जी के पूरी में अनंत स्नेह रखिया, आप सबों के हृदय में बसिया, परमात्मा प्रणाम करत आवा। गोस्वामी तुलसीदास जी के जयंती महोत्सव के पावन बेला में बहुत दिन से आपके गांव में निरंतर राम कथा के आयोजन आप सब जरूर मिलके करत हो। जब हमर देश दो तरह से पीड़ित रही से,
बाह्य पीड़ा ये रीसे कि वो समय मुगल मन के शासन रीसे हमार मंदिर देवाला मल्ला तोड़े जाए हमार आस्था के केंद्र मल्ला ढहा दिए जातरी से मूर्ति लच्छी भी कर दे जातरी से ये बाह्य पीड़ा है। आंतरिक पीड़ा ये रीसे कि हमार सनातन धर्मी भाई मन शिव के मानने वाला मन का है कि मोर शिव बड़े तो विष्णु छोटे, विष्णु के मानने वाला वैष्णव मन कहा है कि मोर विष्णु बड़े तोर शिव छोटे, दुर्गा के मनैया मन कहा है कि मोर माता बड़े, और आपस में चौक चौक में हमरे सनातन धर्मी भाई मन लड़ लड़ के मरे ये धरती लहू लुहान होतरी से। ऐसा बिखरे हुए हमारे सनातनी मल्ला जोड़े बर 526 वर्ष पहली ये भारत के धरती में एक महान संत के जन्म हुई जेकर नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी। मैं कुछ बात आपके बीच में कविता के रूप में रखे हूं आवाओ। बाबा तुलसी के रामायण में का है ये ला जाना 23 अगस्त के दिन तुलसी जयंती री से अब भारत के चंद्रयान 3 हा चंद्रमा में उही दिन प्रवेश करी से। आपला मालूम है तुलसी जयंती के दिन ही काबर चंद्रमा में प्रवेश कराएगी ये गारंटी है चंद्रयान 3 के सफल हो के। काबर मोर तुलसी वो हरे सज्जनों अभी तो चंद्रयान में हम कदम रखे हन कुछ दिन बाद सूर्य में हमार धाग जम जही। काबर सूर्य कतका दिन दूरियम है बाबा तुलसी हनुमान चालीसा लिखे है ज्यादा टेंशन करे के नहीं। बस मैं आपने ये कहना चाहता हूँ मोर देश के धर्म ग्रंथ ही आज पूरा विश्व वाला वैज्ञानिक जन्म बना है वैज्ञानिक के रूप में पैदा करे है। यदि भारत देश के ग्रंथ में पुष्पक विमान के चर्चा नहीं रहती तो दुनिया के कोई वैज्ञानिक जहाज के कल्पना नहीं कर सकती। भारत देश के ग्रंथ बताइस कि द्वारका है ते वाटर प्रूफ रहा है समुद्र भीतरी में, लंका है ते समुद्र से घिरे रहा है, तब दुनिया वाला मन कल्पना करीस कि का ऐसे कोई चीज बनाया जा सकते वाटर प्रूफ घड़ी बना दे इनका जो पानी में घलो चले। दुनिया ला वैज्ञानिक देने वाला कोई ग्रंथ है तो वो भारत के ग्रंथ हमार तुहर बर का है रामचरितमानस में। आवाओ एक बहुत प्यारा कवि उन्होंने लिखे है वो पंक्ति लाभ के बीच रखो कि मोर मानस का है हमारा हर कल मिलेगा आपको तुलसी के मानस में, हमारा हर कल मिलेगा तुलसी के मानस में, जत का ये त्रेता युग के इतिहास है अतका आज के सत्य है तेकर सती कहना पड़ते हमारा हर कल मिलेगा आपको तुलसी के मानस में, सुनहरा पल मिलेगा आपको तुलसी के मानस में। अगर दुविधा है मैं क्या करूं कैसे नहीं करूं, यदि दुविधा है आपके जीवन में तो पढ़िएगा सभी का हल मिलेगा आपको तुलसी के मानस में, भिगो कर आपकी जो आत्माओं को शुद्ध कर डाले, भिगो कर आपकी आत्माओं को शुद्ध कर डाले वो गंगा का जल मिलेगा आपको तुलसी के रामायण में। पराजित सत्य जब होता नजर आए तो पढ़िएगा पराजित सत्य, पराजित सत्य बात में ध्यान दे, पराजित सत्य जब होता नजर आए तो पढ़िएगा बहुत संबल मिलेगा आपको तुलसी के रामायण में, जिसे हम देखते ही अपने माथे पर लगाते हैं, जिसे हम देखते ही अपने माथे पर लगाते हैं वो तुलसी का दल मिलेगा आपको तुलसी के मानस में। भाई मोर कत का बे रहना है, कैसे सूतना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, आवा मोर बाटक कथा वही रहन है तेकर से त्यापला ये बात मैं भूमिका के रूप में रखना चाहते हूँ। हम चलन तो कैसे चलन, सूत उठ के का करन, आवा मोर बेरम सांझ समय बंटवारा मिले है बहनी हो। मैं कथा से आपला एक बार पुनः जोड़ दो, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जिला प्रणाम करत। कली काल में हमें तुलसी आधार मिल गए,
कली काल में हमें तुलसी आधार मिल गए। बहती हुई नौका के पतवार मिल गए। कली काल में हमें तुलसी आधार मिल गए। था डूब रहा भारत इस्लाम सिंधु में। जब डूब रहा भारत इस्लाम सिंधु में। बनकर महान मांझी पतवार मिल गए। कली काल में हमें तुलसी आधार मिल गए। भारत के बेटियों की थी लाज लुट रही। जब भारत के बेटियों की थी लाज लुट रही। करने को द्रौपदी का उपकार मिल गए। कली काल में हमें तुलसी आधार मिल गए। सुनकर रुदन हमारा निज धर्म के लिए। मोर देश में बेटी मन के इज्जत के साथ खिलवाड़ होतरी से। मोर देश में अभी भी वो कानून जिंदा है। अंग्रेज मन मोर देश के बहु बेटी मन की इज्जत लूटे और प्रमाण वाला देना पड़े कि तोर इज्जत लूटे गए है। और दुनिया में मोर भारत के नारी के सबसे बड़े धरोहर है इज्जत था। तब बाबा तुलसी मानस के ग्रंथ ला। भारत के बेटियों की थी लाज लूट रही। जब भारत के बेटियों की थी लाज लूट रही। करने को द्रौपदी का उपकार मिल गए। कली काल में हमें तुलसी आधार मिल गए। सुनकर रुदन हमारा निज धर्म के लिए। लेकर महेश मानस उपहार मिल गए। भैया यदि रामचरित मानस निरतिन तो शायद हम कर निरतिन। ढेला पथरा बरोबर कोनो कर परे रतिन। देकर से ती कहना पड़ते तुमसे उरिन न होगा तुलसी कभी भी भारत। तुमसे उरिन न होगा तुलसी कभी भी भारत। हिंदुत्व के गले के तुम हार मिल गए। कली काल में हमें तुलसी आधार मिल गए। एक बार महात्मा गांधी पूछेगी कि बापूजी दुनिया मन तोला महात्मा कथे। दुनिया मन तोला एक श्रद्धा के दृष्टि से देखते। तोर सफलता के पीछे राज काय। तोला दुनिया वाला मन महात्मा कह के सम्मान देते तो तोर सफलता के राज काय। तब महात्मा गांधी जी बात की हिस आवाव मैं आपके बीच रखत। दोहा क्रमांक 24 की ओर चलो। कली के मल में अपवित्र बना। कली के मल में अपवित्र बना। मम जीवन आज पवित्र न होता। सबके सब शत्रु बने जग में। यह विश्व कभी मम मित्र न होता। हम भैरव आज स्वतंत्र हुए। इसका इतिहास विचित्र न होता। बनता न चरित्र बनता न चरित्र कभी अपना। यदि सन्मुख राम चरित्र न होता। सज्जनों ये दुनिया ला कान दिस राम चरित मानस है। हाँ जी हमार मन पर खिलौना हो गए वो। लेकिन ये ग्रंथ कतका प्रमाणिक है। मैं बहुत निवेदन करूं आज तुलसी बाबा ला लेके काबर पहली दिन है। बाबा तुलसी के कतका हसान है हमार ऊपर। सज्जनों ये ग्रंथ के निर्माण हुई तो बड़े बड़े पंडित मन के
छाती में अग्नि फूट गए, जलन मर गए। एक तुलसी के लिखे हुए ग्रंथ ला हम कैसे सम्मान देवन, तो एक टेस्ट हुई परीक्षा देवाना पड़ी। दुनिया के जितना महाग्रंथ है सबला सकेल देगी और रामचरित मानस भीतरी में छपक देगी। जब बड़े बिहनिया मंदिर के दरवाजा खोलेगी तो सबसे ऊपर में रामचरित मानस री से भगवान शंकर के हस्ताक्षर री से ये प्रमाण है। और आप ला देखना है बाबा तुलसी ला जब अकबर है जेल खाना बंद कर दे रहा है, तुलसी ला न्योता भेजे री से कि तुलसी ते मोर सिंहासन में बैठ मोर मुन लगा। तुलसी की इसमें दूसर के नौकर लग गए हैं भैया, उके झन के नौकरी करूं हम चाकर रघुवीर के, मैं रघुवीर के चाकरी करता हूं काकरो चाकरी नहीं करूं। अब अकबर इतना दुष्ट रही सो समय कि बाबा तुलसी ला जेल में डाल दी। बाबा तुलसी की इस प्रभु यदि भक्त के ऊपर में तोर सच्चा श्रद्धा हुई अमर ग्रंथ यदि प्रमाणिक हो ही तो दुनिया वाला मन जाने। और बाबा तुलसी जेल में हनुमान चालीसा लिखी, 40 दिन जब पूरा हुई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ही सिद्ध साखी गौरीसा, छूट ही बंदी जब लिखी हजारों ठन बंदर मन जाके अकबर के दिल्ली के महल में ऐसे हमला बोलीस कि अकबर जान बचाए बर एक ठन कमरम बंद रहा है। हजारों बंदर एक साथ प्रवेश करीन और बाबा तुलसी ला छुड़ाए के बाद 5 मिनट में वो बंदर मन कहां किस पता नहीं चली। आज भी एक ग्रंथ के शक्ति ला हम पहचान नहीं पाथन सज्जनों, बस मैं निवेदन करना चाहता हूं आवाओ ये ग्रंथ है ते। एक बार महाकवि कालिदास ला पूछे कि दुनिया में सबसे सबसे बेस्ट कविता कदे हरे, कालिदास की इसकी मोर कविता है तो रामचरित मानस ला कविता काबर पहला नहीं आए कहा था, काबर श्रेष्ठ नहीं कहा था। भारत के महान कवि कालिदास की इसकी कविता तो मोर सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन तुलसी के लिखे हुए वाणी हाँ कविता नो है बल्कि महामंत्र है। और आवा वो महामंत्र ला जीवन में धारण करे बर अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 24 के यात्रा करण। सांझ समय सानंद निपुण गयऊं कै कई गे